12 घंटे के भीतर सुलझाया चोरी का मामला। आरपीएफ ने 17 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। ब्रा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मध्य रेल के आरपीएफ इंटेलिजेंस विंग और कुर्ला आरपीएफ कर्मियों ने 18 अगस्त को रेलवे सामग्री वजन 34 मीट्रिक टन चोरी के मामले में 17 व्यक्तियों को पकड़ा है। चोरी की गई सामग्री की 25,06,000 रुपए कीमत बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इंस्पेक्टर आरपीएफ कुर्ला ने कुर्ला ही इलाके में एक जगह पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान 17 व्यक्तियों सहित एक ट्रक, एक स्कूटी, 15 ऑक्सीजन सिलेंडर, 5 गैस सिलेंडर और 9 गैस कटर बरामद की गई। इसके अलावा लोहे के सामान भी शामिल हैं। चोरी की गई ट्रक व सामग्री के जाँच के लिए टीमों की गठन किया गया था। ओएचई सामग्री ओएचई की स्थापना के खरीदी गई थी और डीजल शेड कुर्ला के पास खड़ी थी और चोरी हो गई, मगर महज 12 घंटे के भीतर ही गठित टीमों ने मुख्य आरोपी को भी पकड़ लिया है। इन आरोपियों को पकड़ने में पीआर मीना निरीक्षक श्री एस के कोस्टा, इंस्पेक्टर दादर और अमित राघव, क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच पनवेल, राजीव राणा, सहायक सुरक्षा आयुक्त दादर, इन लोगों के प्रयासों से इन सभी आरोपियों को पकड़ा गया। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।